इंडिया की सबसे सेफेस्ट MUV कार। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रेनो ड्राइवर की, जो कि मेरे सामने यहाँ पे खड़ी हुई है। मैं आपको बता दूं, ये गाड़ी आती है 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग के अंदर। इंडिया की सबसे सेफेस्ट MUV कार है अपने इस प्राइस पे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, RX-e वेरियंट आज मेरे सामने है, जिसका एक शोरूम हमें देखने को मिलता है 5,99,500 रुपीज़ का। सो आज इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल में इस गाड़ी का वॉक अराउंड करने वाले हैं, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये गाड़ी क्यों आपको यहाँ पे कंसीडर करनी चाहिए। तो दोस्त, अगर यहाँ पे देखिए, मैं बात करूँ, बेस वेरिएंट है गाड़ी का। इसके अंदर आप यहाँ पे ये देखिए, गाड़ी के अंदर बेस वेरिएंट से प्रोजेक्टर हेलोजन हेडलैम्प हमें देखने को मिल रहे हैं, हेलोजन बल्ब आ रहे हैं विद साइड टर्न इंडिकेटर के साथ में, और गाड़ी का बेज रेनो का काफ़ी अच्छा उभरता हुआ हमें देखने को मिलता है। नीचे का पार्ट अगर मैं बात करूँ, ये नीचे लोअर साइड है बम्पर का, जो कि एक स्क्रैच रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके साथ आप चलो यहाँ पे गाड़ी के साइड में अगर हम बात करें, तो R14 इंचेस के ये हमें यहाँ पे व्हील्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि रिम वाले हैं। रेनो का व्हील कैप हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। C8 के टायर हैं, 165/80 R14 टायर की प्रोफाइल है। फ्रंट के अंदर डिस्क ब्रेक आता है, रियर में हमें ड्रम ब्रेक देखने को मिल रहा है, और गाड़ी के अंदर मैं बात करूं इस ओवरऑल इसकी लंबाई की, तो आती है 3,990 mm की। आप यहां पे ये देखिए, इसके अंदर स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर हमें दो एयरबैग देखने को मिल रहे हैं, ABS, EBD ब्रेक असिस्ट देखने को मिल रहा है, इसके साथ ESP देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ हिल होल्ड असिस्ट भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 3-point सीट बेल्ट यस यहाँ पे अवेलेबल है, इसके साथ ISOFIX भी इस गाड़ी में अवेलेबल है। यहाँ पे अगर मैं देखो बात करूँ, आप यहाँ पे व्हील आर्स देख सकते हो, जिसके ऊपर साइड टर्न इंडिकेटर्स आ रहे हैं, प्लस ब्लैक कलर के स्क्रैच रेजिस्टेंस के साथ। ये इसके ORVMs हैं, जो कि मैनुअली एडजस्टेबल हैं, और ब्लैक कलर के ये यहाँ पे डोर हैंडल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। गाड़ी में अगर मैं बात करूँ फ्यूल टैंक की, तो 40 लीटर का फ्यूल टैंक हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पीछे एक यहाँ पे स्पॉइलर आ रहा है छोटा सा, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पॉइलर आ रहा है। और अब मैं बात करता हूँ पीछे, तो रेनो ड्राइवर बेजिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, ड्यूल स्प्लिट टेल लैंप्स हमें देखने को मिल रहे हैं हेलोजन बल्ब वाले, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नीचे रेनो का बेज ये यहाँ पे आ रहा है। नीचे का पार्ट लोअर पार्ट ऑफ बम्पर स्क्रैच रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, हाई माउंटेड ये यहाँ पे स्टॉप लैंप्स देखने को मिल रहे हैं। अभी मैं बात कर दूँ तो इसके गाड़ी के अंदर पे, तो यहाँ पे सबसे पहले चाबी की, तो प्राइमरी की ये आप यहाँ पे देख सकते हो, और सेकेंडरी की ये यहाँ पे देख सकते हो। तो सेंट्रल लॉकिंग इसमें नहीं है, प्राइमरी की सेकेंडरी की दोनों सेम ऐसे हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, राइट। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सीट्स पे, तो बकेट टाइप सीट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो बकेट टाइप सीट्स हो गया, यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट नहीं है अवेलेबल। एक बार मैं गाड़ी में चलता हूँ और मैं फिर आपको गाड़ी में दिखा। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग हमें देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ ये यहाँ पे अगर डैशबोर्ड पे देखें, तो ड्यूल टोन का हमें डैशबोर्ड आ रहा है, जहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसका फिट एंड फिनिश काफ़ी स्लीक है। आप यहाँ पे ये देखिए, कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत शार्प ऑब्जेक्ट हो या इसका फिट एंड फिनिश कोई अन उस पर हो, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा कोई फिट एंड फिनिश हो, कुछ ऐसा नहीं। बहुत ही ज्यादा शार्प यहाँ पे इसका फिट एंड फिनिश हमें देखने को मिल रहा है। और गाड़ी में अगर बात करूँ ड्राइवर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ट्रिप ए ट्रिप बी ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट। किलोमीटर रेंज माइलेज ये सारी चीजें इस गाड़ी में हमें देखने को मिल रही है। अभी फिलहाल गाड़ी है स्टार्ट, ये देखिए, तो कंप्लीट ये यहाँ पे डिजिटल ड्राइवर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले यूनिट देखने को मिल रहा है, AC गाड़ी के अंदर अवेलेबल है। और मैं आपको बता रहा था ESP ऑन ऑफ, तो यस ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, बूट लिड ओपन कर सकते हैं, हैजार्ड लैंप जला सकते हैं, साथ ही साथ फिजिकल बटन दे रखे हैं 4 स्पीड तक के, ये यहाँ पे कंट्रोल करने के AC हो गया, और ये रिसर्कुलेशन मोड्स के कंट्रोल्स। यहाँ पे एक कैविटी है सामान रखने की, इसके साथ नीचे 12 वोल्ट का चार्जिंग का पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है, एक कैविटी इधर मिल रही है। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी में देखने को मिल रहा है, कप होल्डर ये यहाँ पे एक कैविटी हो गई। और गाड़ी में बात करें, ग्लोव बॉक्स देख लिया, इसके साथ वैनिटी मिरर्स, यस ये यहाँ पे टिकट होल्डर इस तरीके से यहाँ पे ऐसे देखने को मिल रहा है, राइट। यहाँ पैसेंजर सीट पे यस ये यहाँ पे ऐसा वैनिटी मिरर आ रहा है, और डे नाइट के लिए कुछ ऐसा नहीं, मैनुअली एडजस्टेबल ये हमें IRVM देखने को मिल रहा है। बाकी लाइट्स की बात करें तो सिर्फ ये आगे लाइट हमें देखने को मिल रही है, सेकंड रो पे पीछे लाइट यहाँ पे कहीं पे भी केबिन में नहीं मिल रही। अब मैं आपको एक बार गाड़ी की सेकंड रो विजिट करवाता हूँ और फिर बात करते हैं आगे, तो पीछे आ जाते हैं फटाफट। ये हम आ गए सेकेंड रो पे,
तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेकेंड रो पे 60-40 स्प्लिट सीट हमें देखने को मिल रही है। ये यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल रहे हैं सेकेंड रो के, थर्ड रो के, दोनों के। और यहाँ पे कुछ ऐसा चार्जिंग का पॉइंट या कुछ हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। बाकी रोल अप रोल डाउन मैनुअली आप इसका पावर विंडोज को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आपको अब सेकेंड रो पीछे एक्सेस करनी है तो आता है वन टच टंबल। अब वन टच टंबल कहाँ है वो मिलेगा आपको दूसरी तरफ। तो ये यहाँ पे आया तो ये खोला। अभी वन टच टंबल यहाँ से आप इसको देख सकते हो, ये पार्ट इस तरीके से यहाँ पे। अब ये पार्ट पूरा पीछे हो गया, यहाँ से आप एक्सेस करते कर सकते हो पीछे। तो यहाँ ये दोनों सीट्स आपको मैं बता दूं, आप इन्हें निकाल भी सकते हो, लगा भी सकते हो। तो बेंच टाइप सीट्स ये हमें देखने को मिल रही है। मज़े की बात यहाँ पे अगर आप देखो तो 3 पॉइंट सीट बेल्ट हमें पीछे भी देखने को मिल रही है, राइट। तो रियर में 3 पॉइंट सीट बेल्ट, सेकेंड रो के अंदर यस 3 पॉइंट सीट बेल्ट इधर भी है और इधर भी है। बात करते हैं गाड़ी के बूट स्पेस पे, तो ये यहाँ पे आए। आपको मैं बता दूं ये जो ये रिक्वेस्ट स्विच है ना, आपको पहले सेंटर रो पे वो जो सेंटर कंसोल पे इसका बटन है वहां से कमांड देनी पड़ेगी, तब अनलॉक होगा, राइट। तो 50-50 स्प्लिट सीट है, ये यहाँ पे स्पेस आ रहा है तो ठीक है। एक MUV व्हीकल में जहाँ पे अगर मैं 3 रोज की बात करूँ तो आपको इसी के आसपास का ये ऐसा ही स्पेस देखने को मिलेगा, राइट। तो ठीक है उस हिसाब से। और आप इस सीट को निकाल सकते हो, ये यहाँ पे रेनो की सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, इजीली ये डिटैचेबल सीट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है दोस्त। फाइनल में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप इस प्रोडक्ट पे देखिए इसकी गाड़ी की वारंटी, राइट। तो स्टैंडर्ड अगर यहाँ पे देखें वारंटी 2 साल 50,000 किलोमीटर की हमें ये वारंटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ अगर आप इसे एक्सटेंड करवाते हो तो 7 साल और 1.5 लाख किलोमीटर की वारंटी हमें देखने को मिलेगी। इसके साथ रेनो देता है AMC पैकेज। अभी AMC पैकेज का मतलब है एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, जो कि 8 साल और 80,000 किलोमीटर तक का हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आपको यहाँ पे क्या देखना है, AMC का मतलब ये होता है कि भाई आपका जो पीरियोडिक मेंटेनेंस सर्विस होता है ना 1 साल 10,000 किलोमीटर वाला, वो यहाँ पे सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आपको बस एक वन टाइम पेमेंट यहाँ पे डीलरशिप पे करना है। तो सेल्स में मैं बात करूँ, तकरीबन 3 साल और 30,000 तक का AMC आप सेल से खरीद सकते हो। उसके बाद में आप अपना सर्विस में जाके वहां से फर्दर आगे AMC पैकेज ले सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पे सबसे बढ़िया है, वारंटी रेनो की सबसे बढ़िया है। और मैं रिकमेंड करूंगा एक्सटेंडेड वारंटी रेनो की गाड़ियों में जरूर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो यहाँ पे अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। और इस वीडियो को खत्म करते हैं, दैट्स ऑल फॉर माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग चैनल पे नए आए तो यस इसको सब्सक्राइब करें, प्लस शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मैं हूँ संचय सिंह।